गोइंग टू प्रेम मंदिर और बाके बिहारी एंड निधि वन भी जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज वृंदावन और फाइनली मेरा बाके बिहारी का बुलावा आ ही गया। मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, मैं लास्ट जो गई थी वो 6 to 7 years पहले गई थी और अब जा रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, उसकी कटिंग वगैरह करानी है और मैं भी मार्केट से कुछ सामान लाना है और उसके बाद मेरी और फ्रेंड्स है वो आएंगी। तो हम लोग 3 girls हैं जो हम जा रहे हैं वृंदावन, आकांक्षा, मैं और एक दीदी और है और हम लोग निकलेंगे शाम को ही। तो बस अभी चलते हैं मार्केट, लेट्स गो। बस के कितने लंबे बाल हैं, ये अपने बाल कटवाने जा रही है, ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए, देखो कितनी पतली है ये। तो अभी हम इसकी कटिंग कराने जा रहे हैं इनके सुंदर सुंदर केशों की। मेरे निकलते ही धूप हो गई इतनी तेज की, तब से गेट नहीं लग रहा। तो गाइस ने अभी हमने कटिंग वटिंग सब करा ली है और अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए। हमने अभी ऑर्डर किया है डोसा और चाउमीन और हम लोग ये खाएंगे अभी। नोनू के लिए घर पे पैक करा के ले जाएंगे और इसकी कटिंग दिखाते हो अभी कि हमने कटिंग करा दी है। पीछे घूम, ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। yes. कितने साल हो गए? 6-7-8 साल हो गए। 6 साल 7-8 साल डोसा आ चुका है, अभी हम खाएंगे डोसा। तो गाइज मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और मेरी फ्रेंड भी जा चुकी है स्नेहा और जो आकांक्षा है ये लोग आने वाले हैं और शाम हो चुकी है और जो हमारी बस है वो रात की है और हम वैसे भी 3 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए कुछ बनाने के लिए क्योंकि रास्ते के लिए सब कुछ ना कुछ ला रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं पुलाव बना के लाऊँगी, तो मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं जब मैं निकलूँगी, बाय। तो हमारे साथ जा रही है आकांक्षा और पूजा दीदी, हेलो करो। और अभी हम लोग मेट्रो में, अभी हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट। हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट और यहीं से हमें मिलेगी हमारी बस। और ये रही आकांक्षा, देखो चल रही है, ये दीदी है। ये बस आ चुकी है न्यूगो, हम इसी में जाएंगे। गाइस हम आ चुके हैं बस में, अब हम जाएंगे मथुरा वृंदावन। तो गाइज आज हम नेक्स्ट डे और हम लोग रात को सो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अभी है नेक्स्ट डे ऑफ मॉर्निंग में और मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ और बाकी लोग जो हैं जो मेरे साथ 2 girls और हैं वो लोग रेडी हो रहे हैं। और अभी ये मेरी बालकनी का व्यू है और मैं रात को बिल्कुल भी होटल में, मतलब जब मैं आई थी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी चुके थे बस में बैठे बैठे। और यस फाइनली वी आर गोइंग टू प्रेम मंदिर और बाके बिहारी एंड निधि वन भी जाएंगे। और प्रेम मंदिर के ना जस्ट बाजू में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ भी जाएंगे। तो व्लॉग में बने रहना, पूरा व्लॉग देखना। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए क्योंकि ऑफकोर्स मैं बहुत टाइम बाद ही आई हूँ। तो बस जल्दी सब निकल रहे हैं हम लोग। लोग हैं पानी देखने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे नहा ही नहीं है, नहाने जा रहे हैं। मौसम तो सही हो रहा है वैसे, बाहर अच्छी हवा चल रही है, लेकिन ये कुछ लोग एसी में से निकल के ऐसे बोल रहे हैं, ह्यूमिडिटी हो रही है। अभी हम लोग हैं रिक्शे में और अभी हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं, बाकी भी आ रही हो गई, मुझे हो गया थोड़ा सा कोल्ड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले बाके बिहारी क्योंकि अभी कोई भी मंदिर नहीं खुला है, 8-8:30 बजे तक खुलेंगे। सबसे पहले बाके बिहारी जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निधि वन या स्कॉन टेम्पल जाएंगे, राधा वल्लभम जाएंगे, फिर हम उसके बाद जाएंगे स्कॉन टेम्पल लास्ट। अभी हम यहाँ पे गलियों में हैं और अभी हम रिक्शे से उतर चुके हैं और यहाँ से बहुत ही पास है, मतलब पैदल का रास्ता, हम यहाँ पे चल रहे हैं मंदिर में जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं गेट पे। तो गाइस हमारे
बहुत अच्छे दर्शन हुए बांके बिहारी जी के, और अभी हम राधावल्लभ मंदिर आए हैं और सीरियसली हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने आरती ली और जल का चीटा भी हमें मिला, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। सिंगार है जो यहाँ पे मिलता है, और ये अगर अंदर चढ़ाते हैं तो ये मतलब अंदर चढ़ाने से उनके नाम से ही चढ़ता है, ये स्वाद की लंबी आयु के लिए चढ़ता है। ठीक है, तो अंदर जो रासलीलाएं होती है रात को, तो उनके लिए हम ये लोग ये ले रहे हैं, ये चढ़ाएंगे अंदर। और अंदर बताएंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ब्लॉग के बाद, क्योंकि अंदर मैं फोन नहीं चलाऊंगी क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। जो पत्थर है इनके सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और ये जो हमने लिया है ये अंदर चढ़ाने के लिए लिया है। अब हम आए हैं मनोकामना मंदिर, और ये क्या लिखा है इन पे सब पे? ये जो जो भक्तों ने यहाँ भगवान का भोग लगा है, हाँ हाँ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा, अभी आप पहले दर्शन करो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, अभी हम रास्ते में ही है, मतलब यहीं से थोड़ा सा आगे इस्कॉन टेम्पल आए हैं, और इस्कॉन के बाद हम शायद प्रेम मंदिर पे जाएं। और क्या होता है, हम लोग रिक्शे में आ रहे थे, तो रिक्शे में हमारा जो प्रसाद था ना, तो वो मनोकामना मंदिर रह गया था जब हम मनोकामना मंदिर गए थे। फिर हम दोबारा से मनोकामना मंदिर गए, फिर वहाँ से लिया, फिर हम आए हैं, और अभी हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। और अभी बज रहे हैं 10:45, तो हम सोच रहे जल्दी से यहाँ पे दर्शन हमारे होने के बाद हम अगर प्रेम मंदिर भी गए, तो प्रेम मंदिर का मतलब ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो देखते हैं प्रेम मंदिर, अगर हमारे पर टाइम मिला तो हम प्रेम मंदिर भी जरूर जाएंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद मंदिर हो जाएंगे बंद सारे। और अब लोग हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, दीदी यहाँ पे चाउमीन खा रहे हैं हम लोग, सैंडविच हमने खा लिया है, और अभी हम हैं शिव ढाबा पे।